बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं हज़रत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, और यहीं पर हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि फातह मिस्र हैं, उनकी भी कब्र मुबारक मौजूद है। तो आइए आपको ज़्यारत कराते हैं इन दोनों मुक़दस मकामात की। ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, और इसी मस्जिद में आपकी कब्र मुबारक मौजूद है, और हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी कब्र मुबारक मौजूद है। मस्जिद उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये सैयदा आयशा मस्जिद से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मस्जिद में दाखिल होते हैं और आपको मकामात की ज़्यारत कराते हैं। ये जो आप काली चादर देख रहे हैं, यही हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, जो कि एक दीवार से मिली हुई है। और कहा यह जाता है कि जिस वक्त हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ पर दफन किया गया था, उस वक्त कुछ पॉलिटिकल रीज़न की वजह से आपकी कब्र मुबारक को लोगों से मख्फी रखा गया, और आज भी आपकी कब्र मुबारक इसी अंदाज़ में यहाँ एक दीवार के नीचे मौजूद है। ये जो आप सुराख के अंदर दीवार देख रहे हैं, बताया जाता है कि यही हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, और जो लोग यहाँ आने के मुश्ताक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी फातह मिस्र हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी देने की तौफीक अता फरमाए। ये मस्जिद उकबा बिन आमिर का अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ पर नमाज भी होती है, और जो लोग हज़रत उकबा बिन आमिर और हज़रत अमर बिन आस की बारगाह में हाज़िरी देने आते हैं, वो लोग यहाँ बैठकर कलाम पाक की तलावत भी करते हैं, फातहा पढ़ते हैं, क्योंकि कोविड के सबब अभी मज़ारात बंद हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग भी बाहर जालियों के सामने खड़े होकर फातहा पढ़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह किसी और दिन मैं यहाँ के मुतवल्ली से बात करके खुसूसी तौर पर हज़रत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक को खुलवाऊँगा और आप लोगों को ज़्यारत भी कराऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।